आदित्य, क्या तुम आज भी नहीं आओगे? ऐसे ही चले जाओगे? नहीं देव, नहीं, आज तुम्हें आना होगा। मेरी तपस्या में क्या कमी रही? ये बतलाने आना होगा देव। आज मैंने अपने पास से डर पर हार सुनो। मैं तो जो भेद थी, क्या उसके लिए धन्यवाद देने भी नहीं आओगे? आज तुम्हें आना होगा देव। ये अनुभूतियों का योग होता है।
जज से क्या होगा? मुक्ति देव, मुक्ति। तो क्या आज आपने अपने आराध्य की पत्नी महाराज स्वयं को मुक्त किया? नहीं देव, थोड़ा समझ का भेद है। मैंने स्वयं को देकर मुक्ति अर्जित की है। देवी, और आज हम भी स्वयं को अपनी पिता के हाथों सौंपने आए हैं। स्वीकार करो। Sorry.
सहना होगा अपनी पीड़ाओं को चुप रहकर, वरना ये समाज क्या करेगा देवी? आपके माता पिता का जीवन कठिन समस्याओं से भर जाएगा, महाराज सर उठाकर चल ना सकेंगे। चुप रहो सुधा, भविष्य को लेकर अनर्गल तुलाव ना करो। प्रताड़ित होकर भी सत्य ही कहूंगी, इसे अनर्गल प्रलाप न कहे देवी। सत्य यह है कि यदि आप सीधे आकर लड़ेंगी तो कोई अन्य राजा आपका वरण नहीं करेगा, और फिर यह लोकापवाद। सुधा, मैं लोकापवाद से भयभीत नहीं हूँ, तो किसी और पुरुष के बारे में सोचना तक मेरे लिए असंभव है। और यदि नियति ने मेरा चयन कर भी लिया है तो मैं सूर्यदेव के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को पति के रूप में स्वीकार न कर सकूंगी। देवी, आप दो राज परिवारों की प्रतिष्ठा को युद्ध दाव पर नहीं लगा सकती। यदि आप ऐसा करेंगी तो आपके माता पिता का जीवन कठिन समस्याओं से भर जाएगा। तुम चाहती हो समाज के जिस आवरण को मैं उठेना चाहती हूँ उसी के आवरणों पर एक और आवरण चढ़ाओ। ढांचे के जिस बुनक को मैं उठेना चाहती हूँ उसी बुनक की रस्सी पर शोभा बढ़ाओ। देवी, इसे आप जनकपुर जवाब सामाजिक छल या छलना कहती हैं, वो हमारी सभ्यता संस्कृति सामाजिक जीवन व्यवस्था का तरीका है। सामाजिक जीवन व्यवस्था के पाठ की पुनरावृत्ति न करो। अब मेरे जीवन का केवल एक लक्ष्य है, पुरुष के छद्ममय प्रेम रूप को ध्वस्त करना। नहीं देवी, नहीं, आप ऐसा कुछ न करें, सूर्य देव का कुछ न बिगड़ेगा। इसलिए मैं मौन रहूं? हाँ, मौन ही स्त्री तथा कुल की मर्यादा को बचाता है। मैंने कौन सी मर्यादा तोड़ी है सुधा? मैंने कौन सा पाप किया है? पाप पुण्य के मायावी खेल की बात मैं नहीं जानती, किंतु यदि आप सीधे आकर लड़ेंगी तो आपकी रंगीन आशाओं पर एक ही रंग को दिया जाए और वो होगा कलंक का काला रंग। फिर जहां सारी पृथ्वी का भोग पितरी समाज ने अपने लिए आरक्षित कर रखा हो, वो एक अबला की बात को सुनेगा, बहुत से क्रूर प्रश्न उठाए जाएंगे। देवी, सुधा, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। मैं चहुओं से आने वाले हर प्रकार के प्रहार को झेल सकूंगी, इसके लिए सत्य मेरी ढाल होगा। एक ढाल ने सारे प्रहार